डोंबिवली इलाके में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि प्राधिकारियों ने पहले ही इमारत को जर्जर और खतरनाक घोषित किया था। ऐसे में देखा जाए तो नगर निकाय की चेतावनी के बावजूद इमारत में रहने की लापरवाही की कीमत 2 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अधिकारी ने बताया कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम KDMC के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आयरे गांव में स्थित आदि नारायण भवन शाम को ढह गया। अधिकारी ने बताया कि इमारत में 44 मकान थे और इसका कुछ हिस्सा गिरने के बाद गुरुवार से ही इसे खाली कराया जा रहा था। तड़वी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है, क्योंकि एक और व्यक्ति के मलबे में होने की आशंका है। KDMC प्रमुख भाऊ साहब दांगड़े ने बताया कि ऐसी जानकारी है कि 2 लोग बीमार थे और उनके मलबे में फंसे होने की आशंका थी, जबकि बाकी अन्य निवासियों को बाहर निकाल लिया गया है।